कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हुए अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद इस हमले को अंजाम देने वाले जैश ए मोहम्मद के संरक्षक पाकिस्तान को केवल चेतावनी ही नहीं दी गई बल्कि उसे प्रदान किए गए सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र के दर्जे को भी छीन लिया गया। इसके बावजूद यह कहना कठिन है कि इससे पाकिस्तान की सेहत पर कोई असर पड़ेगा। वैसे भी यह तो वह मांग थी जो एक लंबे अरसे से की जा रही थी। पाकिस्तान को सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र के दर्जे से वंचित करने के साथ ही कूटनीतिक संबंधों के स्तर में भी कमी लाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त सिंधु जल समझौते को रद्द करने के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। कूटनीतिक उपायों के जरिए पाकिस्तान को दंडित करने के साथ ही चीन को भी कोई सख्त संदेश देने की ज़रूरत है। वह जैसे मोहम्मद के सरगना का खुला बचाव करके भारतीय हितों के खिलाफ ही काम कर रहा है। चीन को यह बताया जाना चाहिए कि वह न केवल वुहान में बनी समझबूझ के खिलाफ काम कर रहा है बल्कि पाकिस्तान की ढाल बनकर शत्रु शरीके रवैये का परिचय दे रहा है। इसमें संकोच इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि आज भारत को चीन की जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा उसे भारत की है। भारत एक बार फिर पाकिस्तान के हाथों लहूलुहान इसीलिए हुआ क्योंकि एक के बाद एक आतंकी हमलों के बाद भी यह अपेक्षा की गई कि बातचीत के जरिए उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है। यह अपेक्षा कमजोरी के अलावा और कुछ नहीं। बीते करीब दो दशकों का इतिहास यही बताता है कि कैसे पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी की ओर से पाले पोसे आतंकी हमें आतंकित करते हैं और फिर भी हम उनके साथ बातचीत की संभावनाएं तलाशने लगते हैं। पुलवामा से बड़ा हमला मुंबई में किया गया था लेकिन ज़रूरी सबक सीखे बगैर भारत कुछ समय बाद ही पाकिस्तान के साथ वार्ता की मेज पर दिखा। यही कहानी बाद में भी दोहराई जाती रही। इसके दुष्परिणाम सामने आने ही थे। निसंदेह ज़रूरत केवल इस बात की ही नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे उसकी सेहत पर असर पड़े और वह अपनी शैतानी हरकतों से बाज आए। इसी के साथ यह भी ज़रूरी है कि कश्मीर घाटी के हालात पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाए। यह सही है कि वहाँ के हालात पाकिस्तान के कारण बिगड़े हैं लेकिन आखिर उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी तो भारत की ही है। कश्मीर में आतंक समर्थक तत्वों के साथ उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई समय की मांग है। इस कार्रवाई की जद में वह राजनीतिक तबका भी आना चाहिए जो कभी हुर्रियत सरी की भाषा बोलता है और कभी पाकिस्तान से बातचीत को ज़रूरी समझता है। इसीलिए पाकिस्तान वहां दखल देने में समर्थ है। स्पष्ट है कि उन कारणों का निवारण होना ही चाहिए जिनके चलते पाकिस्तान को कश्मीर में दखल देने में आसानी होती है। बेहतर होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई पर विचार करते समय कश्मीर में भी निर्णायक कदम तय कर लिए जाएं। सपा प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पिछले दिनों शांति व्यवस्था संबंधी कारणों से प्रयागराज जाने से रोके जाने की घटना को मुद्दा बनाकर सपा बसपा के विधायक
जिस तरह विधानसभा की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं वह इन दलों की लोकतंत्र के प्रति आस्था पर प्रश्न चिन्ह है। इसे लेकर आहत विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की यह चिंता वाजिब है कि यह कैसा लोकतंत्र है। अखिलेश यादव शासन प्रशासन की इस चेतावनी के बावजूद प्रयागराज जाने की जिद कर रहे थे कि उनके जाने से हालात विस्फोटक हो सकते हैं। इस बारे में प्रयागराज जिला प्रशासन की चिट्ठी पूर्व संध्या पर ही उन्हें दे दी गई थी। इसके बावजूद वह सुबह एयरपोर्ट पहुंच गए। उन्हें अंततः अपना यात्रा कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। यद्यपि मुख्यमंत्री रह चुके सभा अध्यक्ष द्वारा प्रशासन की चेतावनी को इस तरह नज़रअंदाज करना उचित प्रतीत नहीं होता। इसके बाद इसे मुद्दा बनाकर कई दिन से विधानसभा की कार्यवाही बाधित रखना लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं के अनुरूप नहीं है। विधानमंडल का मौजूदा सत्र बजट पारित करने के लिए बुलाया गया है। पारित किए जाने से पहले बजट प्रस्तावों पर चर्चा होनी है, पर सपा बसपा द्वारा खड़े किए जा रहे गतिरोध के कारण चर्चा अब तक शुरू नहीं हो सकी है। यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, क्योंकि सदन अव्यवस्थित रहने के कारण जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित लोकप्रिय एवं अनुभवी हैं। यद्यपि मौजूदा गतिरोध करने में उनके प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं, विधानसभा ही वह स्थान है जहां जन समस्याओं पर चर्चा करके उनका समाधान निकाला जाता है। ऐसे स्थान को राजनीतिक उठापटक और अहम के टकराव का अड्डा बनाने का प्रयास उचित नहीं। सपा और बसपा नेतृत्व को अपनी मौजूदा नीति पर विचार करना चाहिए। 403 विधायकों वाले सदन में 40-45 विधायकों द्वारा उपद्रव करके कार्यवाही बाधित करना किसी भी दृष्टि से तार्किक नहीं है। शहीद ए आजम भगत सिंह ने देश का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए खुद गिरफ्तारी देकर अपने लिए फांसी का वरण किया था। मौजूदा नेता अपना पक्ष रखने के बजाय हंगामा और अशांति का विकल्प चुनते हैं। यह कैसा लोकतंत्र है।